एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है समायरा नेरुला एंड फैमिली। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ऐसा होना चाहिए बेल आइकन का बटन। यस, तो आज हो गई है 5th September और आज भी हम बाहर नहीं गए हैं समायरा के लिए गिफ्ट परचेज करने, क्योंकि आज समायरा जल्दी घर पे आ गई। इसके स्कूल में था टीचर्स डे सेलिब्रेशन और 11:30 तो मैडम घर पे ही आ गई। 8:30 तो स्कूल में छोड़ के घर पे आए थे और 2 घंटे बाद इसके घर आने का टाइम हो गया, तो हमें मौका ही नहीं मिला आज बाहर जाने का। लेकिन कोई बात नहीं, हम समायरा को साथ लेकर बाहर जाएंगे क्योंकि समायरा ने कुछ शॉपिंग भी करनी है। क्या शॉपिंग करनी है आपने आज? मुझे रिटर्न गिफ्ट लेने हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, चॉकलेट्स लेने हैं, क्योंकि मेरा बर्थडे 8 को सेलिब्रेट स्कूल में नहीं होगा, 7 को होगा बिकॉज ऑफ ओनम। हाँ, तो ओनम की छुट्टी है समायरा की स्कूल में 8 सितंबर बर्थडे वाले दिन, तो घर पे खूब मस्ती करेंगे हम उस दिन। और स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेट होगा इसका 7th को और केक अलाउड नहीं है, तो टीचर ने बोला है कि आप चॉकलेट्स लेकर आना। तो हम जा रहे हैं बाहर, चॉकलेट खरीदेंगे और रिटर्न गिफ्ट खरीदेंगे और साथ में हमें बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जो भी आइटम्स चाहिए वो परचेज करेंगे और साथ में समायरा के लिए गिफ्ट परचेज करेंगे आज का। तो आप व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। तो गाइस, अभी हम आ गए चॉकलेट सेक्शन में। पहले हम चॉकलेट लेते हैं, उसके बाद हम रिटर्न गिफ्ट लेंगे। तो चॉकलेट कौन से चाहिए आपको? मंच। सारी वैरायटी के चॉकलेट यहाँ पे अवेलेबल है और समायरा को चाहिए मंच अपने फ्रेंड्स के लिए। हाउ मेनी पैकेट्स? 50 पैकेट्स। 50 पैकेट नहीं, 50 टोटल चॉकलेट। ओके, तो एक पैकेट में कितने हैं देखना? 18। एक में 18 है, तो आपको कितने पैकेट्स चाहिए? पैकेट तो 3 चाहिए। हाँ, 3 में हो जाएंगे ना 50। ओके, तो 3 ले लिए हैं आपने। ओके, तो ये तो आप स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जो आपके फ्रेंड्स घर पे आएंगे उनके लिए चॉकलेट्स नहीं चाहिए आपको? चाहिए। उनके लिए कौन से? ये वाला छोटा सा, ये तो कैंडी है, मिनीज है। यस, किटकैट। हाँ, किटकैट ले सकते हो। इसमें कितने यूनिट्स है? 20। हाँ, फोटो मेरे साथ, इसके साथ। कौन है ये? ये कौन है? हमने यूट्यूब पे इनके बहुत वीडियो देखे हैं। जैसे कि आप सबको पता है मुझे स्टेशनरी खरीदना बहुत पसंद है, तो वैसे ही मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको भी स्टेशनरी अच्छी लगती है, इसीलिए मैं रिटर्न गिफ्ट में उनके लिए स्टेशनरी लूंगी। हाँ, तो यहाँ पे स्टेशनरी कलेक्शन है, तो हम देखते हैं कि रिटर्न गिफ्ट में हमें क्या पसंद आता है। यस गाइस, हम मार्ट से निकल चुके थे घर पे आने के लिए और रास्ते में स्टार्ट हो गई बारिश, थोड़ा सा तो हम भीग गए, थोड़ी थोड़ी बारिश थी। लेकिन जब घर के पास पहुंचने ही वाले थे बारिश हो गई एकदम तेज, और हमारे तो सिर्फ कवर थे, हेलमेट थे, लेकिन समायरा की वजह से हम रुक गए। 10 मिनट वेट करते हैं, बारिश रुकती है, फिर हम घर पे जाते हैं और आज का सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम घर पे पहुंच चुके हैं और ये है हमारी हालत। समायरा का फेस तो ड्राई है क्योंकि मैंने अपना हेलमेट समायरा को पहना दिया था ताकि इसका हेड गीला ना हो। बस क्या हो गया, अभी भी बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हमने बहुत वेट किया कि रुकेगी तब जाएंगे, लेकिन बहुत लेट हो रहे थे हम, तो वहाँ से निकल पड़े और घर पे पहुँच गए। तो अभी हम चेंज करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो हम वापस आ चुके हैं रेडी होकर और आज है समायरा के लिए हमारे पास 4 गिफ्ट्स और 4 बॉक्सेस के अंदर है समायरा के लिए सरप्राइजेस। लेकिन ऐसे नहीं देंगे हम आपको, पता आपको फिर से गेम प्ले करनी पड़ेगी। यस, है ना, पता है ना आपको? यस, भागना तो नहीं है ना? नहीं, भागना नहीं है, एक जगह पे स्टेबल होके आपको गेम प्ले करनी है। ओके, तो गाइज ये जो 4 गिफ्ट हैं, अगर हम समायरा को बोले कि ये 4 आपके लिए हैं, तो आप 1 by 1 ओपन करो और देखो कि क्या है। तो डेफिनेटली ये सबसे बड़ा बॉक्स उठाएगी और ओपन करेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो हमने इसके लिए गेम प्लान की है। तो आपको बताते हैं कि वो गेम क्या है और फिर गेम अपनी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 5 बैलून्स विद डिफरेंट कलर्स और बैलून के अंदर है एक एक स्लिप, पता नहीं आपको दिख रही है या नहीं, गोल्डन में दिख रही है, लेकिन सबके अंदर है। और उस स्लिप पे हमने कुछ लिखा है, क्या लिखा है आपको बताते हैं। तो हर बैलून की स्लिप पे हमने लिखा है ओपन दिस बॉक्स, ओपन दिस बॉक्स,
तो सुमायरा को एक एक बैलून फोड़ना है, उसमें से स्लिप निकलेगी और स्लिप के ऊपर जो भी बॉक्स का कलर लिखा होगा वही गिफ्ट इसको अनबॉक्स करना पड़ेगा। तो चलो गेम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सुमायरा कौन सा गिफ्ट सबसे पहले पिक करती है। ओके ओके, आर यू रेडी? यस। तो चलो पिन लेकर आओ और बैलून फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ओके okay. तो सुमायरा बैलून को फोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है क्योंकि इसको मिलेंगे गिफ्ट्स। तो चलो पहला बैलून कौन सा फोड़ना चाहोगे आप? पिंक। पिंक वाला? तो ठीक है, पिंक वाला बैलून सुमायरा फोड़ने जा रही है। ओ इसमें से निकली है एक स्लिप और उस पे क्या लिखा है देखते हैं। ओपन ग्रीन बॉक्स। ओ माय गॉड, सबसे बड़ा बॉक्स, इसी चीज का तो डर था। और माया केक कर तो गई, कोई बात नहीं, बाद में कर लेगी, बाद में तो सारे गिफ्ट लेकर भाग जाएगी। फिर आप एक काम करो, टू गिफ्ट ओपन करवा दो, उसके बाद हम केक कट कर लेंगे। तो स्मार्ट नहीं हो रही है, एक बैलून के बाद, एक गिफ्ट के बाद करते हैं। Because of YouTube family का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है सुमायरा को। Yes, सुमायरा स्मार्ट हो रही है, देख रहे हो? देख रहे हो? चलो ये ओपन करो, इसके बाद हम केक कट करेंगे। क्या है? अभी तो बॉक्स ही है। एक्सप्रेशन क्या आ गए आपके? प्रैंक। क्या प्रैंक? हाँ देखो, प्रैंक है या गिफ्ट है? अब ऑनलाइन प्रैंक कौन भेजता है पहले ये बताओ मेरे को। क्योंकि हम बाहर गए थे गाइस, वहां पे मुझे कोई भी गिफ्ट पसंद नहीं आया, मैंने लेना ही नहीं था पहली बात तो। पसंद आना ना आना तो बात की बात है, क्योंकि सुमायरा पास में थी अब और हम सुमायरा के लिए सरप्राइज कलेक्ट करना था और उसके सामने तो कर ही नहीं सकते थे। तो मैंने जो कल गिफ्ट मंगवाया था यानी कि बोर्ड इसका, उसके साथ ये भी मंगवा लिया था। मुझे पता था कि टीचर्स डे पे ये जल्दी घर आने वाली है और तब तक हम घर का काम करके भी मुश्किल से फ्री होंगे, मार्केट नहीं जा पाएंगे, तो हमने प्लान कर लिया था। क्या है दिखाओ YouTube फैमिली को। पहले तो निकाल दो तुमने। निकाल लो ऐसे। क्या है? वाओ, पिंक बैग और टेडी बियर। अरे ये क्या हो गया, पिंक बैलून में से पिंक ही बैग निकल गया। मैंने तो रैंडमली पैक किया था। तो ये देखिए गाइस, हमने सुमायरा के लिए बैग ऑर्डर किया था, क्यूट सा, और ये क्यूट सा टेडी बियर है साथ में। जब हम घूमने जाते हैं तो सुमायरा इस टाइप के बैग कैरी करके जाती है, अपनी वाटर बॉटल, अपने नैपकिन्स और अपनी गॉगल्स और क्या, सैनिटाइजर। तो इसीलिए मैंने ये ऑर्डर किया है, जल्दी हम घूमने जाएंगे और फिर सुमायरा ये बैग कैरी करेगी। yes. अच्छा लगा आपको? yes. अभी इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए गाइस, और फ्रंट पे भी पॉकेट है और अंदर भी पॉकेट है, यहाँ पे भी है स्मॉल सैनिटाइजर वगैरह डालने के लिए। ओके चलो निकाल दो। तो कैसा लगा पहला गिफ्ट? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना? ओके तो अभी नेक्स्ट बैलून बर्स्ट करना है या फिर केक कट करना है? नेक्स्ट बैलून। एक बैलून देन विल कट द केक। ओके ये रखना वहां पे। तो नेक्स्ट कौन सा करना चाहोगे आप? पर्पल। पर्पल चलो करो। इतना शोर होता है यार। क्या लिखा है? ओपन रेड बॉक्स, रेड कैंडी। लॉटरी लग रही है सुमायरा की। तो बस 7 तक गिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 8 को हमें कुछ देना नहीं पड़ेगा। ये रिटर्न गिफ्ट देगी ना हमें? 8 को ये देगी। 8 को मेरा बर्थडे है, बर्थडे वाले दिन आपको। क्यों, हम डेली दे रहे हैं आपको, बर्थडे का दिन आप रिटर्न गिफ्ट देना। ये तो रिपीट हो गया गिफ्ट। ओ स्टार मास्टर, ये क्या हो गया? ये तो रिपीट हो गई, हमने दे दिया था ना। हाँ। लेकिन कुछ था ही नहीं, मैंने दोबारा पैक कर दिया। चलो कोई बात नहीं, फिर से दिखा दो, जिन्होंने नहीं देखा वो अब देख लेना। ये क्या है?
बैग्स मायरा के लिए, बैग के साथ मैचिंग, जो बैग अभी आपने देखा था उसके साथ मैचिंग करके हमने लिया है। अभी इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, टूट गया। नहीं नहीं, इसको ना एडजस्ट करना पड़ेगा, बाद में करेंगे। लेकिन आप इसको ऐसे भी हैंग कर सकते हो और वन साइड भी कर सकते हो, ऐसे निकाल दो ना ऐसे, लाइक दिस, नाइस ना? यस। अब हम स्माइला के लिए पिंक कलर की एक वेस्टर्न ड्रेस परचेज करेंगे, उसके साथ ये पहन के घूमने जाएगी। यस। ओके, क्या पता इसमें ड्रेस ही हो। हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा गेस किया स्माइला ने। ओके, तो अभी हम केक कट करते हैं गाइस, उसके बाद ये तीनों बैलून जो है बस्ट करेंगे। तीन बैलून, गिफ्ट तो दो रह गए। दो होंगे। आइडिया बहुत अच्छा देती है, दिमाग बहुत तेज है इसका। चलो हम केक लेकर आते हैं। ये है हमारा आज का छोटा सा केक और ये है प्योर कपकेक। उस दिन मफिन था गाइस, स्माइला सही थी। और आज हमारे पास कैंडल्स नहीं है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, हम बाहर नहीं जा पाए, गए थे मतलब कि, लेकिन रास्ते में रुक नहीं पाए उस शॉप पे। ये केक मॉर्निंग में ही अरेंज कर लिया था हमने, लेकिन तब कैंडल्स भूल गए थे और शाम को बारिश की वजह से मिस हो गई, तो आज कैंडल नहीं है, सॉरी। ऐसे हम कपकेक काट के खा लेंगे और आपको खिला देंगे। यस, Happy 5th September to you. Happy 3 days to go. तो खाइए गाइस कपकेक वनीला फ्लेवर का, आप खाओ। यम्मी है। आपको क्या? और गाइस हमें कमेंट्स में बताइए कि स्माइला के बर्थडे पे हमें कपकेक्स भी बनवाने चाहिए या नहीं। ओके, अभी हम करते हैं अपनी गेम कंटिन्यू। कहाँ है आपकी पिन? विच बैलून नेक्स्ट? ब्लैक। ब्लैक, ओके। एक मिनट। ओ मम्मी को डर लग रहा है। मेरी पिन गिर गई। उठा लेंगे बाद में, आप ओपन करो। देखो इसमें कौन सा बॉक्स लिखा हुआ है। सॉरी, ट्राई नेक्स्ट बैलून। सॉरी मेरा। पिन का है बुलो। ये रही, ये रही। तो फाइनली प्रैंक कर लिया हमने स्माइला के साथ। क्यों? येलो भी है ना? नहीं, आई मीन गोल्डन एंड ब्लैक। ओह फाइनली एक रह गया है, इसमें क्या है देखते हैं। ओपन ब्लू बॉक्स। यस, छोटा सा, इसमें बहुत बड़ी चीज हो सकती है गाइस, वो तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। yes. तो मैंने आपका पेपर सेव किया। थैंक यू सो मच। छोटा सा पेपर सेव किया और जो बड़े बड़े पेपर थे वो फाड़ दिए। फाड़ दो इसको, कोई बात नहीं। वाओ, ये सेकंड वाले के साथ मैचिंग करते हैं। लिया था सुमायरा के लिए। ये देखो क्या है, ये है कार्ड होल्डर। कार्ड होल्डर, आपका आईडी कार्ड। तो आप वो जाते हो ना मॉल में खेलने के लिए, वो कार्ड लेते हो तो पापा हर बार उसको लॉस्ट कर देते हैं, है ना? जब मॉल में चले जाते हैं तो पापा बोलते हैं आई डोंट हैव कार्ड, तो हमें नया परचेज करना पड़ता है, उसके अलग से चार्जेस लगते हैं। तो उतने पैसों का हमने ये स्माइला के लिए वॉलेट परचेज किया है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने अपने कार्ड्स को इसमें सेव करके रखना है। ओके, जब भी मार्केट जाना है इसको उठाना है और चले जाना है। अब हमें इस बैलून को बस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसको ओपन कर दो। क्या पता उसमें भी ऐसा ही हो। सॉरी सॉरी, दिस इज योर मम्मा पापा गिफ्ट। हो सकता है ना ऐसा।
इसके होते हुए कोई गिफ्ट हमारा हो सकता है? कभी नहीं। वेरी नाइस। अच्छा ऐसे ही निकालने की कोशिश कर रही है। पेपर सेव करने की कोशिश कर रही है। ऐसे होती है बड़े आराम से। चलो कल इसी पेपर को हम यूज कर लेंगे फिर से। गाइस कल हम चलेंगे बाहर कल, क्योंकि स्माइला ने स्कूल जाना है। 4 बजे आएगी, पीछे से हम चलेंगे। ओके आपको साथ लेकर। फ्रेंड्स मुझे प्लीज बताना, जब तक बताएंगे तब तक हम सेलिब्रेट कर लेंगे। चलो आप व्लॉग में देख लेना। Yes. लेकिन उससे पहले हम ऑर्डर कर चुके थे। YouTube फैमिली को दिखाओ। हाँ अभी हम इसका पेपर निकालते हैं। पहले फ्रेंड से दिखाओ तो सही। क्यूट पासवर्ड वाला पेंसिल केस है ये। पर पासवर्ड तो हमें पता है ना? नहीं अभी तो इस पे लगा ही नहीं हुआ, आप लगा सकते हो। ओके यस गाइस, क्या हुआ ना, स्माइला की क्लास में जो बच्चे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट ये पेंसिल बॉक्सेस लेकर आते हैं। तो एक दिन इसने बोला कि मुझे पासवर्ड वाला चाहिए, तो इसने गूगल कर लिया और गूगल पे पहली पिक्चर ये आ गई। तो भाग के आई कि मम्मा मेरे को ये चाहिए, प्लीज मेरे को लेकर दो ना। तो मैंने बोला नहीं स्माइला, आपके पास ऑलरेडी बहुत पेंसिल बॉक्सेस हैं, आपको नहीं लेकर देंगे हम। और ऐसा इसलिए बोला क्योंकि हम ऑलरेडी ये वाला ऑर्डर कर चुके हैं। यस ओपन तो करो, क्या क्या है इसमें हमें भी नहीं पता कैसे होता है। इसको पता है कैसे होता है ओपन ये? अच्छा हम अलग अलग पासवर्ड ट्राई कर रहे हैं, हमें पासवर्ड ही नहीं पता। हाँ अच्छा ये पासवर्ड लगा हुआ है ऑलरेडी। देखो यहाँ पर देखे, ये ओपन कैसे होगा? पासवर्ड पता करके आना था आपको। मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, कैसे मैं पता करके आती? कोई इंस्ट्रक्शंस भी नहीं है ना इसकी? नहीं है। मुझे लगता है ना ये ऐसे ही खुलेगा। नहीं ऐसे नहीं खुलेगा, ये पासवर्ड लगाना पड़ता है। ऑलरेडी लगा हुआ है वो तो खुल नहीं रहा। लगाना क्या पड़ता है? क्या पता सब नीचे करने हो नॉब्स? वो कर दिया उसने। नहीं ये जो फ्रंट वाले नॉब है सारे नीचे करने हो। ट्राई करते हैं रुको, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा है गाइस। मैंने फोटो में देखा था, मैंने भी देखा हुआ है इसको। अमेज़न वाले को फोन करो इसका पासवर्ड क्या है। हाँ नहीं तो क्रेडिट वापस ले जाओ, मेरे पैसे वापस दे दो। तो मैं ट्राई करूँ? आप कर लो ट्राई, ये पक्का से कर लेगी। खुल गया। खुल जा सिम सिम, मैंने क्या बोला था ये पक्का से कर लेगी। तो गाइस ये है स्माइला का पेंसिल बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स। ओ मार्कर भी आया है। यस मार्कर किसके लिए आया है? ये बोर्ड है क्या? नहीं 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 नहीं, ओ ये क्या है? ये तो मेकअप बॉक्स है। अब देखो हां ये बच्चों का मेकअप बॉक्स है। इसको सब पता है, मैंने तो सोचा कि इसको अच्छा लगेगा ना, यूनिक सी चीज मैंने ऑर्डर की है। हाँ। ये नहीं पता इसको पहले से इसके बारे में पता है। हाँ अच्छा ये बोर्ड है, बोर्ड का काम। हमें नहीं मालूम होता कि इसके फंक्शन कैसे हैं। मैंने तो इसलिए ऑर्डर की थी कि हमने जो इतनी सारी स्टेशनरी इसको दी है उसमें पेंसिल बहुत सारी थी, पेन थे, तो ये इसमें सेव करके रखेगी। ये नहीं पता था कि ये तो मेकअप बॉक्स है और ये बोर्ड है अंदर। बस इतना सही है ये? नहीं हाँ अभी और क्या है? और पासवर्ड है इधर, कुछ और भी है। यस आप ज्वेलरी भी छुपा सकते हैं इसमें। इसका पासवर्ड यही लिखा हुआ था। सही बात है।
तो गाइस इसका पासवर्ड ये लिखा हुआ है 123 और उसका भी नीचे लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। हमारा ने फिर भी ट्राई किया तुक्का लगाया। दिखाना एक बार, देखने दो दे मुझे। ये बॉक्सेस के अंदर था है ना ऐसे। यस। तो कैसा लगा गाइस स्माइरा का ये वाला गिफ्ट और बाकी सारे गिफ्ट्स, कौन सा ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और आज का व्लॉग कैसा लगा वो भी जरूर बताना। और 4 सितंबर का व्लॉग अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाइए देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। और आज के गिफ्ट का बताना मत भूलना कि कौन सा सबसे अच्छा आपको लगा। स्माइरा को तो डेफिनेटली यही लगा होगा। yes. और स्माइरा जो बोल रही थी ना ये उसका मैचिंग तो वो पैक ऑफ 3 था। जल्दी मिलते हैं 6 सितंबर व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।